हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज में मैंने लिखा है और ये प्रोग्राम इसमें लूप भी लगाया मैंने। और चाहे आप कोई भी लेवल पे स्टडी कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कीजिए या फिर किसी और इस तरह के कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है तो बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं आप, तो पहले बेसिक क्लियर कीजिए। हालांकि ये जो प्रोग्राम है वो इंटरमीडिएट लेवल का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स के लिए प्रोग्राम मैंने लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक बार सेव करते हैं, पहले कंपाइल करवाते हैं, तो कंपाइल करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैट्रिक्स के नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ, matrix.c.c सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है। और ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल्ड हो जाना चाहिए, आई होप ये हो भी गया। और यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसको रन करवाना है। तो रन करवाने पर देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ रोज को एंटर करता हूँ। लाइक यहाँ पे 5 रोज अगर मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, और फिर कॉलम की बात करते हैं तो 5 कॉलम और 5 रोज हम एंटर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या एंटर करना चाहते हैं, 5, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7 एंटर करता हूँ, और फिर यहाँ पे 55 एंटर करता हूँ, और फिर यहाँ 67 एंटर करता हूँ, और फिर यहाँ 67, और फिर यहाँ 67 एंटर करता हूँ, फिर यहाँ 89 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 एंटर करता हूँ। इसी तरीके से हम एंटर करते चले जाएंगे, क्योंकि जितना हमने दिया है उसी हिसाब से ये आएगा। तो ये हमने एंटर किया, फिर यहाँ पर एंटर किया, फिर यहाँ पर एंटर करेंगे, और फिर यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये देखिए एकदम रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको ये डेटा मिल जाएगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। इस प्रोग्राम को आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें 4 टाइम मैंने लूप यूज किया है, फॉर लूप यूज किया है।